पेपर आसान हो या मुश्किल कला कला प्रश्न पे बीतेंगे। और कौन कह हरियाणा वाले बालक पढ़ते को नहीं कला कला बालक 51,000 जीतेंगे। मुस्कान, मुस्कान नाम अच्छा है और चेहरे पे मुस्कान भी हर इंसान के होनी चाहिए। एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है पहले भी हम जो कोचिंग सेंटर है उनकी खबरें दिखाते रहते हैं और आज ICS कोचिंग सेंटर में पहुंचे हैं जहां पर पूरे हरियाणा के की बात करें जिन डिस्ट्रिक्ट में जो ICS कोचिंग सेंटर है जहां पर उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी थी और जो भी फर्स्ट प्राइज होगा सेकंड होगा थर्ड होगा फोर्थ होगा या फिफ्थ होगा उनके लिए प्राइज है वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 51,000 रुपये 21,000 रुपये 11,000 रुपये 1,100 और बाद में मोमेंटो। तो ऐसे में बच्चों ने बेस्ट देने की कोशिश करी है जो यहाँ पर आए हुए हैं सभी ने अपना 100% देने की कोशिश करी है। एग्ज़ाम इन्होंने दे दिया है और ऐसे में अभी आगे जैसे CET का पेपर हुआ था क्लियर भी हुए कुछ बच्चे और अब 40,000 वैकेंसी आने वाली है आखिर 6 महीने में और उसके बाद डी का होगा ऐसे ही डी का होगा और उसके बाद डी का ही वैकेंसी आएगी जैसे सरकार चुनाव वही जो जुमले होते हैं उनके नज़दीक लेके आती है ताकि गरीब बच्चों के सिलेक्शन हो उसके बाद वोटिंग भी वो ले सके मतलब ये होता है इनका प्रोसीजर। लेकिन ऐसे में 40,000 वैकेंसी CET की आएगी उसके बाद ग्रुप डी की भी आएंगी। बच्चे कोचिंग सेंटरों में बड़ी मेहनत कर रहे हैं अपने परिवार को छोड़कर जो लड़कियां खासकर गांव से आती है यही सोच समझ कर आती है कि अब की बार मेरा सिलेक्शन होगा। HCS 6 सिलेक्शन हुआ है नरवाना से और बहुत बड़ी बात है हरियाणा की नंबर वन पोस्ट होती है HCS हरियाणा सिविल सर्विस तो ये बड़ी बात है। सभी को शुभकामनाएं भी हमने दी है एनजी न्यूज की तरफ से। ऐसे ही जैसे HCS जो लगे हैं उन्होंने एक मैसेज भी छोड़े हैं सभी के लिए काम आएगा वो मैसेज एनजी न्यूज की वीडियो देख लेना अलग अलग भी उनका इंटरव्यू लेंगे ताकि आप जो आपका ड्रीम है जो एम है आप पाना चाहते हैं उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ उसमें बेनिफिट जरूर होगा। ज़्यादा मैं बोलूँगा तो फिर मतलब बच्चों के साथ बात फिर कम कर नहीं पाऊँगा तो मैं यहीं से शुरू कर लेता हूँ बच्चों से शुरू कर लेते हैं। तो मेरी नॉलेज में नहीं था विनोद जी ने बताया कि 2000 जो स्टूडेंट हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और इस जो प्रतियोगिता है उसका हिस्सा बने ये तो देखने वाली बात है कि रिजल्ट आएगा कौन बाजी मारेगा। लेकिन ये कोई ये नहीं है कि भाई ये एंडिंग है और है इससे बस बच्चे के अंदर एक उत्साह एक मोटिवेट होता रहता है ऐसी। हाँ क्या क्या नाम आपका? सर किरण। कहाँ से हो? कैपिटल से। तो एग्जाम देने के लिए स्पेशली यहाँ आए हो? हाँ जी सर। कोई कोचिंग सेंटर में भी लगे हुए हो? हाँ जी ICS कैपिटल में। आज का एग्जाम कैसा था आपका? अच्छा हुआ सर। क्या लगा आपको मेन मतलब क्या चीज़ें इसके अंदर देखने को मिली? वही सिलेबस था CET वाला हिंदी इंग्लिश मैथ रीजनिंग हरियाणा GK अच्छा हो गया ऑलमोस्ट। गांव से बिलोंग करते हो शहर से? कैथल से ही हूं सर। प्रॉपर कैथल से? जी सर। अगर आप 51,000 रुपये जीत जाते हो क्या लेके आओगे सबसे पहले? सर मैं घर पे दूंगी। हैं? घर पे दे दूंगी। घर पे दे दोगे? हाँ जी सर। मतलब मन में कोई ड्रीम नहीं है भाई स्कूटी ले लेंगे? स्कूटी में लड़कियां आती है ना गांव से चार्जिंग वाली स्कूटी चल रही है आजकल। नहीं सर। अच्छा घर पे दोगे? हाँ जी सर। क्या लगता है कितने नंबर आ जाएंगे? अभी अच्छा हुआ बाकी पेपर पता नहीं है कितना दिमाग में है। 65 प्लस तो हो ही जाएंगे। 65 तो अलग बात है यहाँ तो मैरिट क्या पता कितने। सर आपने पूछा है कितने तो बताया। चलो ठीक है बोलो। मंजीत। कौन से गांव से? सिमैंड से। अच्छा अच्छा सिमैंड से आते हो फिर यहाँ? टोहाना ब्रांच पे पढ़ते हैं। अच्छा कितनी दूर कोचिंग से? स्पेशल पेपर देने के लिए आए हो? यस सर। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। कर दोगे क्लियर? यस सर। पक्का? यस सर। लॉक किया जाए? यस सर। ठीक है कितने नंबर लोगे? 1100 लोगे? 51,000? 51,000 सर। 51,000 ताड़ी बजा दो। 51,000 पे लोगे? अगर नहीं भी 51 जीती तो एक विश्वास जरूर जीतता है बंदा मतलब भाई भाई विश्वास के साथ बातचीत करता है। और भी लड़कियां उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है? मीना सर। कहाँ से हो? उदयपुर से। उदयपुर स्पेशल यहाँ आए? हाँ जी सर। क्या लगा आपको पेपर देने के बाद? अच्छा लगा सर काफ़ी। अच्छा। नहीं इनाम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे? इनाम की है उम्मीद सर रैंकिंग अच्छी जरूर आएगी इनाम नहीं आएगा तो। अच्छा अच्छी रैंकिंग। किस प्रकार की तैयारी चल रही है आपकी आगे वैकेंसियाँ बहुत आ रही है?
सीईटी का कैसा रहा एग्जाम, कितने पड़े, क्या 40% आपने वो लिए या नीचे? सर मेरे 70+ हैं सीईटी में और अच्छे हैं, उम्मीद है कि जॉब मिल जाएगी। जॉब मिल जाएगी? हाँ। पक्का? हाँ। ताड़ी बजाओ, ये नौकरी मिल जाएगी इसको। क्या बात है, बिल्कुल। और भी लड़कियां उनसे बातचीत करेंगे कि करके, क्या नाम है? मोनिका सर। मोनिका? यस सर। कहाँ से? कैथल से। कैथल से स्पेशल पेपर देने के लिए आए हो? यस सर। तो एग्जाम देते हुए समय कोई बर्डन तो नहीं था दिमाग के ऊपर? नो सर, जैसे टेस्ट देते हैं सर जैसे नॉर्मल हम सेंटर में वैसे ही था सर, उससे बल्कि थोड़ा मतलब ठीक था लेवल एग्जाम का। नौकरी पाना जिंदगी का ड्रीम है या फिर कुछ अलग करके दिखाना? जॉब सर। जॉब? चे ग्रुप डी की मिलो। हाँ जी सर। गवर्नमेंट तो है सर। अच्छा, ग्रुप डी हो चाहे कोई। अच्छी बात है ये, देखो ड्रीम रखना जरूरी है, हर आदमी को ड्रीम रखना जरूरी है, ड्रीम रखेंगे तो आगे पहुंचेंगे। तो ड्रीम रखा हुआ है? यस। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब का। कैसा है आपका सपना, ये कितना बड़ा है? हर दिन लेते हो ये एक ही बार? हर दिन सर, हर दिन, मिनट सर। बदलता भी रहता कुछ? नो सर। क्या नाम है? मुस्कान। मुस्कान नाम अच्छा है और चेहरे पे मुस्कान भी हर इंसान के होनी चाहिए और पेपर देते हुए भी मुस्कान जरूरी है। मुस्कान जी, तो कैसी रही आपकी आज की मुस्कान पेपर? बहुत अच्छा रहा सर, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। हाँ जी। पेपर क्लियर करोगे? हाँ। पक्का? जी सर। कितने नंबर ले लोगे? आने चाहिए सर 70 से अबव तक, तो क्वेश्चंस ठीक है, मतलब वैसे 200 मार्क्स का है तो देखो। 77 कह रहे हैं इसका मतलब फिर, तो फिर इसका मतलब बच्चे फर्स्ट प्राइज में कितने पे जाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा। क्या नाम है इधर लो चेहरा, क्या नाम है? नेहा। नेहा कहाँ से? करमगढ़ से। करमगढ़ से बस, बाय बस आते हो या कोई और साधन से आते हो? बस से। बस से। एक मिनट रुको भाई, सबसे बड़ी समस्या बस की है? यस सर। है? यस सर। या फिर कोई मन में ये भी है स्कूटी ले लें चार्जिंग वाली, चल जाएगा काम? यस सर। 51,000 रुपये जीतता और स्कूटी लो, जीतेगी है? जीतेगी क्या? यस सर। हेलो। हेलो सर। क्या नाम है? नेहा। कहाँ से? नरवाना से। नरवाना से। हाँ जी सर। तो पेपर दे दिया सही रहा? हाँ जी सर। तो और भी जो स्टूडेंट हैं उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? मनीषा। अरे चले गए, क्या हो गया मनीषा? यस। कैसा रहा एग्जाम? बढ़िया सर। बढ़िया रहा, हो जाए क्लियर? यस सर। वही देखो बच्चे हैं, चले सभी चले गए हैं, इनसे बात कर लेते हैं। नमस्कार जी, कहाँ से हो? नरवाना से। अच्छा, पेपर दे दिया? यस सर। क्लियर हो जाएगा? यस सर। पक्का विश्वास है? तो भाई कर जोगे? हाँ, चांस है पूरे। चांस है? हाँ जी। जॉब में भी? जॉब में भी है। बिल्कुल ठीक है, जाने दो एक एक करके। चाहिए दे दिया भाई? दे दिया। तो क्लियर कर जाएगा? हो जाएंगे क्लियर। क्या ले होगा? पेपर अभी कल का तो सो आया भाई। सो कर रहे हैं? आओ चेक कहीं, आओ चेक कहीं। एक बार तो कर रहा, एक बार तो कर रहा। कितने मारे? ना ना, तुक्के के, तुक्के कई बार तुक्के ही मारा ना, पटके कर रहा था, गलत तो सही पटका में सो कर रहा भाई। कोई 100 में से 1% बता दो सर, तेरा बढ़िया लग गया रो, याद था पहले ही भाई? याद तो मैथ का था एक। अच्छा। हां मैथ का मतलब सेम टू सेम है यार वो क्वेश्चन, ब्याज का, चक्रवर्ती ब्याज। अच्छा, चक्रवर्ती ब्याज। पेपर बहुत अच्छा होया, हो जाएगा? हाँ हाँ, हो जाएगा, पूरा पूरा भरोसा है। अच्छा। सोच भी लिया है 51,000 लेके बाइक अपग्रेड करावांगे। ठीक है, बाइक? हाँ बाइक ले आएंगे, पुरानी बेच कर नहीं ले आएंगे। नहीं? हाँ पक्का विश्वास है? हाँ मास्टर जी, 51,000 रुपये तो बाइक ले आनी है कि नहीं? दो लाइन सुनाऊंगा, पर आसान हो या मुश्किल, कला कला प्रश्न पे बीतेंगे और कौन कह रही है आने बालक पढ़ दे को नहीं, कला कला बालक 51,000 जीतेंगे। ये देखो युवा साथी थे सभी और ऐसा है टाइम हो चुका है, तो ऐसे में क्योंकि सारे काफ़ी समय से बैठे हुए थे, सुबह से बैठे हुए हैं, तो जाना जरूरी था। बने रहिए एनजी न्यूज के साथ, विनोद सर के साथ बात कर लेते हैं। नमस्कार सर। कैसा रहा सर आज का जो एग्जाम बच्चों ने दिया है? सर बहुत बढ़िया रहा, हमने सोचा था कि 1,000-2,000 बच्चे यहाँ पर पहुँचेंगे, उनकी मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मगर हमारी मैनेजमेंट, हमारे स्टाफ ने बहुत अच्छा साथ दिया। ये हमारा ICS जींद के अंदर, ICS डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर, पूरी जींद में पेपर था
हजारों बच्चों ने एग्जाम दिया, अपना लेवल चेक किया, हमने इसके अंदर 51,000 रुपये फर्स्ट प्राइज रखा है, सेकंड 21, थर्ड 11 और फोर्थ टू टेंथ जो स्टूडेंट रहेंगे उनको 1100, बाकी टॉप 50 को हम मोमेंटो देकर सम्मानित करेंगे। इसका जो रिजल्ट है 15 फरवरी को अनाउंस हो जाएगा, उसके बाद ये दोबारा पेपर डिस्ट्रिक्ट जींद के अंदर दोबारा लिया जाएगा टॉप 50 स्टूडेंट्स का, उसमें से टॉप 10 स्टूडेंट्स निकाले जाएंगे और उनको वहाँ पर वो प्राइज दिया जाएगा। तो ये जो 51,000 रुपये सर, ये सेंट्रो के हिसाब से या पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर क्या ऐसे है? मेरे पास सुनो, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 51,000 रुपये जी, ये हमने पहला पेपर रखा था, फर्स्ट टाइम हमने एग्जाम करवाया है नरवाना के अंदर, ये मैं बहुत अच्छा, हमारा अगला प्लान है कि हम अप्रैल में दोबारा ले पेपर और फिर उसमें 1,00,000 प्लस हम उसका इनाम रखने के प्रोग्राम बना रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं विनोद सर है, आईसीए कोचिंग सेंटर के इंचार्ज है और समय समय पर जो है बच्चों को उत्साह करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। विनोद सर बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर, बहुत थैंक यू सर, धन्यवाद।